हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। मैंने अपना ब्लॉग अब से स्टार्ट किया है और उधर चाय बन रहा है, मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। और आज मैं रात के खाने में मशरूम बनाऊंगी। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। चलिए, चाय हो गया है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। चाय पीने के बाद मैं हलवा बना रही हूँ। बच्चों को कुछ मीठा खाना था तो वही मैंने सोचा कि सूजी का हलवा ही बना देते हैं, वही मैं बना रही हूँ। मैं हलवा बनाने के साथ साथ इधर पटल की सूखी सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरे बेटे को मशरूम नहीं पसंद है, इसीलिए उसके लिए मैं पटल की सूखी सब्जी बनाऊँगी। चलती हूँ मशरूम बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। जो जो इसमें लगेगा सबको पहले कट कर लेती हूँ। अब मशरूम काटने के पहले उसे अच्छी तरह से धो लेना होगा क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी मिट्टी होता है। पहले इसको धो लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद उसे काटूँगी। चलते हैं, इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं मशरूम को ऊपर से हल्का हल्का छील लूँगी। बहुत कोई इसे नहीं भी छीलते हैं लेकिन मुझे ये काला काला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे छील रही हूँ। मशरूम बनाने के लिए मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिया है। एक प्याज को मैं ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े में काट लूँगी और उसे अलग अलग कर लूँगी और एक प्याज को बारीक बारीक काटूँगी। बड़े बड़े मशरूम को मैं 4 पीस में काट लूँगी और छोटे छोटे को 2 पीस में ही काट के रख दूँगी। एक प्याज को मैं 4 टुकड़े में काट के उसे अलग अलग उसे पीस को कर रही हूँ और एक प्याज को मैं बारीक काट लूँगी। मैं थोड़े से तेल में मशरूम को फ्राई कर रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
अब मशरूम फ्राई हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने इसे बिना नमक का ही फ्राई किया है। अब उसी तेल में प्याज को भी हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। प्याज हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। एक चम्मच खरबूजे के बीज और 6-7 काजू को मैं पीस लूंगी। तेल में मैं जीरा, सूखी मिर्च डाल दूंगी और जब ये चटक जाएगी तब मैं इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ डाल दूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज अच्छे से भुन चुकी है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और उसके बाद इसे ढक दूंगी। टमाटर अच्छे से गल गया है, अब मैं इसमें खरबूजे का बीज और काजू का पेस्ट को डाल दूंगी। जार में और मसाला लगा हुआ है, उसे भी धो के डाल दूंगी। अब इसमें 2 चम्मच किचन किंग मसाला डालूंगी। मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि किचन किंग मसाला में हल्दी पहले से ही रहता है। और मैं इसमें अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी। उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़े। इसे लगातार अच्छी तरह से चलाना है क्योंकि काजू का पेस्ट चिपकता है। मसाला अब तेल छोड़ने लगा है, हमारा मसाला अब भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें फ्राई किए हुए मशरूम और प्याज को डाल दूंगी। और लास्ट में कसूरी मेथी, मेरा फेवरेट,
अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और हाफ चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। दो तीन मिनट और पकाने के बाद इसका गैस बंद कर देंगे। तो हमारा खाना बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। तो हम लोगों का यहाँ खाना पीना सब हो गया है। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ और मुझे दूसरे दिन जो भी बनाना रहता है मैं अभी सोच लेती हूँ और उसे मैं अभी फुला दूँगी। मुझे कल मटर का छोला बनाना है, रात में ही उसे पानी में सोख करने के लिए रख दूँगी। अगले ब्लॉग में मैं एक नई रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो रेसिपी सभी को पसंद आएगी। आप लोग अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो हम लोगों का खाना पीना सब हो गया है और मैंने किचन को भी साफ़ सुथरा कर दिया है। किचन को साफ करके ही सोती हूँ मैं अक्सर रात में, जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तभी छोड़ देती हूँ, वैसे साफ करके ही सोती हूँ। साफ करके सोने से अच्छा भी रहता है, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और सुबह खुद को भी आसानी होती है कोई भी काम करने में। तो अभी 10:30 बज गए हैं, अब मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो
चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आदमी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।